नाहट में परिवार के साथ हुई मारपीट, पीड़ित के घर में अंदर घुस के की करी गई मारपीट, गाली गलौज और शराब के नशे में पहुंचे दबंग। पीड़ित ने बताया कि घर के अंदर मुझसे और बच्चों के साथ मारपीट करी गई, थाने में जाकर लगाई न्यायिक। पीड़ित ने बताया कि मेरे पति घर पर नहीं थे, उक्त दबंग लोगों ने मौका देख मेरे घर पर आ गए और मुझसे गंदी गंदी गालियां देने लगी तथा मैंने गाली देने से मना किया तो उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। पुलिस ने पीड़िता को दिया न्याय का आश्वासन। थाना पनाहट के अंतर्गत ताल की पार मामला। क्या नाम है मैम आपका? मंजू देवी। और यह गांव कौन सा? पनाहट। क्या समस्या हुई आपके साथ? मैं यहाँ पर बैठी है, बस बच्चन ने हमारे में कह दे के लगा रही मंदिर, उसके भी जवान थप्पड़ गए, मैं जंतबाजी ऊपर का खींच लगी हूँ। मैं दो लड़का है और चार औरतें हैं, दोनों बहू, उसकी माँ और लड़की। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? गाड़ी की मना कर दी, उसकी बात गाली दे रहा, गाड़ी दे रहा हूँ, डेली गाली पी के दे, दारू पी का गाली दे रहा है। घर से की पार पनाहट से हूँ मैं, अकेला मैं दिल्ली गया था, मेरे बच्चे घर पे थे और मेरी मैसेज, मेरे बच्चे सब छोटे छोटे बच्चों को मारा था लोगों ने। ये चार बंदे थे, दो जेंट्स, चार लेडीज। किस बात को लेकर? इस बात को, गाली पी के डेली गाली देता है, पहले ही मेरे पास वीडियो है, अभी भी इसमें वीडियो, कल मैं थाने घर पे तो उसकी वीडियो बनती। तो आपने थाने में तैरी? थाने में तैरी, रात को इन्होंने 3 बजे, 3 बार बच्चे गए हैं मेरे, 3 बार बच्चे भगा दिए थानों से। सुबह 5 बजे मैं आके मेरे तैरी दी है, लेके आया हूँ, बाकी 2 बार थाने में अभी होके आया। इनकी चोट वोट लगी तो मेडिकल वगैरह? कोई मेडिकल नहीं कराया उन्होंने, वो कह रहे हैं 10 बजे आप आ जाओ मेडिकल, हम आके कराते हैं। इनका नाम क्या है जिन्होंने आपके साथ मारपीट की? ये नीरज, नीरज सुनो श्री खुशीराम, हरिशंकर सुनो श्री खुशीराम, आसन देवी वाइफ ऑफ खुशीराम, और नीरज की वाइफ जो है वो सपना देवी है, हरिशंकर की वाइफ है वो रेखा है, और उनकी लड़की है किरण है।